आजकल वाईफाई सीसीटीवी कैमरास बहुत ही पॉपुलर हो रहे हैं, और अगर आप भी ऑनलाइन पे सर्च करेंगे सीसीटीवी कैमरा फॉर होम, सीसीटीवी कैमरा फॉर ऑफिस या फिर सीसीटीवी कैमरा फॉर शॉप, तो आपको रिजल्ट में वाईफाई सीसीटीवी कैमरास ही मिलेंगे। क्योंकि जो वाईफाई सीसीटीवी कैमरास होते हैं वो एकदम प्लग इन प्ले डिवाइस होते हैं, कोई वायरिंग का ज़रूरत नहीं है, DVR, NVR, मॉनिटर कुछ भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उसके अंदर आप एक मेमोरी कार्ड डाल दीजिए, उसी में ही वीडियो रिकॉर्डिंग होता रहेगा, और उसका एक ऐप रहता है, और ऐप में ही आप उसका वीडियोस को देख सकते हैं और प्लेबैक को भी देख सकते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन पे इंडोर सीसीटीवी कैमरा सर्च करेंगे तो रिजल्ट में आपको ये वाला सीसीटीवी कैमरा ज़रूर दिखेगा। तो आज मैं इस कैमरा का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाला हूँ। इसका दाम है 1499 रुपीज़ ओनली, और ये आता है वारंटी के साथ। इसको खरीदने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही इतने कम दाम पे ये एक PTZ कैमरा है, मतलब ये वाला ऊपर का जो हिस्सा है ये दाएं बाएं ऐसे घूम सकता है, उसके अलावा ऊपर नीचे भी घूम सकता है। उसके अलावा इस सीसीटीवी कैमरा में सभी फीचर्स है जो नॉर्मली सीसीटीवी कैमराज में होना चाहिए, जैसे कि इसमें नाइट विजन है, इसमें स्पीकर और माइक है, वीडियो में ऑडियो भी रिकॉर्ड होता है, और इसको चलाने के लिए इंटरनेट का भी ज़रूरत नहीं है। इसमें से ही वाईफाई निकलता है जिसको आप अपने स्मार्टफोन पे कनेक्ट कर सकते हैं और इसके लाइव प्रीव्यू को और प्लेबैक को देख सकते हैं। अगर आप इसको इंटरनेट वाईफाई से कनेक्ट कर देते हैं तो आप इस कैमरा को जिस जगह पे लगाएंगे उस जगह को दुनिया के कहीं से भी देख पाएंगे। तो चलिए अभी देखते हैं इस कैमरा का अनबॉक्सिंग, उसके बाद इसके ऐप को डाउनलोड करेंगे, उसके बाद इस कैमरा का जो वीडियो सैंपल है डे का और नाइट का वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये हो गया कैमरा का बॉक्स, और जो कंपनी है उसका नाम है अपना कैम, जो एक इंडियन कंपनी है। तो बॉक्स के साइड में यहाँ पे कंपनी का फोन नंबर दिया हुआ है, उसके अलावा यहाँ पे उनका वेबसाइट एड्रेस दिया हुआ है जो है अपनाकैम.com। तो चलिए अभी करते हैं इसका अनबॉक्सिंग। तो सबसे ऊपर ये वाला हो गया यूजर मैनुअल, उसके बाद ये वाला हो गया इंडोर वाईफाई कैमरा। जी हाँ, ये एक इंडोर वाईफाई कैमरा है, तो कैमरा को बाद में देखेंगे। उसके अलावा ये वाला हो गया पावर केबल कैमरा पे पावर देने के लिए, उसके बाद ये पावर एडाप्टर कैमरा पे पावर देने के लिए, उसके बाद ये वाला हो गया इसका माउंटिंग स्टैंड। वैसे ये जो कैमरा है इसको टेबल पे रखने के लिए बनाया गया है, लेकिन इस माउंटिंग स्टैंड से आप इसको वॉल पे लगा सकते हैं, नहीं तो सीलिंग पे भी लगा सकते हैं। तो ये सब साथ में ही मिलेगा, और साथ में मिला है स्क्रूज वॉल पे ड्रिल करके इसको लगाने के लिए, या फिर सीलिंग पे लगाने के लिए ये स्क्रूज काम आएगा। उसके अलावा बॉक्स में और कुछ नहीं है। तो चलिए अभी देखते हैं कैमरा को। तो ये वाला हो गया कैमरा का सामने का हिस्सा, तो बीच में ये वाला हो गया इसका लेंस, और लेंस के चारों तरफ ये सब है IR लाइट्स नाइट विजन के लिए, और इन लाइट्स की सहायता से ये रात में चाहे जितना भी अंधेरा हो साफ साफ रिकॉर्डिंग करता है ब्लैक एंड व्हाइट मोड में। उसके बाद ये वाला हो गया माइक, इसके थ्रू वीडियो में ऑडियो रिकॉर्ड होता है। उसके अलावा कैमरा के सामने जो भी खड़ा है उनके बात को आप सुन पाएंगे अपने स्मार्टफोन पे। उसके बाद इस कैमरा में स्पीकर भी है, पीछे आप देख सकते हैं ये वाला हो गया स्पीकर। जब कैमरा के सामने कोई आएगा, चोर आएगा, तब इसमें से साइरन बजेगा, और आप इस स्पीकर के थ्रू बात भी कर सकते हैं चोर से। पीछे दो वाईफाई एंटेना दिया हुआ है जिससे इसका रेंज ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद पीछे ये वाला हो गया पावर इनपुट, साथ में ये जो केबल मिला था इसको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, उसके बाद इसको एडाप्टर पे लगाना पड़ेगा। अभी आप इस एडाप्टर को पावर सॉकेट पे लगा सकते हैं और कैमरा रिकॉर्डिंग करना शुरू करेगा, लेकिन रिकॉर्डिंग करने के लिए कैमरा पे आपको एक microSD कार्ड डालना पड़ेगा। तो microSD कार्ड आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप 32GB या फिर 64GB का मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं। तो देखिए मैंने डाल दिया है एक मेमोरी कार्ड। उसके बाद ये वाला हो गया रीसेट का होल, कभी कभी इसका ज़रूरत पड़ता है कैमरा को रीसेट करने के लिए। आपको सिर्फ इस होल पे कोई सा भी स्टिक, मतलब अगरबत्ती का स्टिक यहाँ पे डाल के 5 सेकंड दबाने से ये कैमरा रीसेट हो जाता है। उसके बाद कैमरा के नीचे यहाँ पे आपको माउंटिंग स्टैंड को लगाना पड़ेगा। ये जो माउंटिंग स्टैंड साथ में दिया हुआ था ये यहाँ पे लग जाता है, इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ऐसे उल्टा भी लगा सकते हैं ऐसे, या फिर वॉल पे लगा सकते हैं, और इसको लगाना निकालना एकदम आसान है। देखिए निकल गया। तो कुछ भी नहीं है, एकदम इजी कैमरा है, प्लग एंड प्ले कैमरा है। तो चलिए अभी इसमें पावर देते हैं और इसके ऐप को डाउनलोड करेंगे। तो मैंने लगा दिया है, तो सुना आपने कैमरा से कुछ वॉइस आया और कैमरा ऑटोमेटिकली घूम गया है। तो अभी इसके ऐप को आपको डाउनलोड करना होगा। तो ये वाला है इसका ऐप V380 Lite, पहले था V380 Pro, वो फिलहाल काम नहीं कर रहा है, तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा V380 Lite। तो ये ऐप Android एंड iOS दोनों पे काम करता है, और प्ले स्टोर ऐप स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको डाउनलोड करने के बाद इसमें आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, और अकाउंट बनाने के बाद ये वाला स्क्रीन आएगा। तो इस स्क्रीन पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक प्लस का आइकन है, तो यहाँ पे टैप करने से आप कैमरा को ऐड कर सकते हैं। तो जो कि ये वाला कैमरा वाईफाई कैमरा है, इसीलिए आपको
आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा वाईफाई स्मार्ट कैमरा। उसके बाद एपी हॉटस्पॉट कनेक्शन पे आपको टैप करना पड़ेगा। अभी आपको आपके घर का जो वाईफाई है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मेरे घर का ब्रॉडबैंड का वाईफाई यहाँ पे शो कर रहा है, ये वाला, तो इसको सिलेक्ट करेंगे और उसका जो पासवर्ड है वो डाल देंगे। उसके बाद करेंगे कन्फर्म। उसके बाद बोला है कनेक्ट एपी स्पॉट, तो अभी यहाँ पे टैप करना पड़ेगा। उससे पहले जो जीपीएस है उसको ऑन करना पड़ेगा। देखिए जीपीएस ऑन है, तो अभी टैप करेंगे कनेक्ट एपी स्पॉट पे। आई नो करेंगे तो अभी ये मेरे वाईफाई सेटिंग्स पे चला गया है और यहाँ पे अभी कैमरा का वाईफाई शो करेगा। तो कभी कभी यहाँ पे इस कैमरा का जो वाईफाई है वो शो नहीं करता है, तो उसके लिए कैमरा को रीसेट करना पड़ सकता है या फिर इसको एक बार ऑन ऑफ करके देख सकते हैं। तो चलिए मैं अभी इसको एक बार ऑन ऑफ करके देखता हूँ। ये मैंने किया ऑफ, ये हो गया ऑन। तो अभी मोबाइल पे इस कैमरा का वाईफाई शो कर रहा है, जो ये रहा 6416, ये वाला इसका वाईफाई है। तो मुझे कैसे पता चला, इस कैमरा के नीचे एक क्यूआर कोड है और यहाँ पे कैमरा का आईडी लिखा हुआ है और वही इसका वाईफाई है। तो अभी इसको सिलेक्ट करना है और ऑटोमेटिकली ये कनेक्ट हो जाएगा। तो देखिए कनेक्ट हो चुका है। अभी आपको इसके ऐप में जाना है, मतलब बैक जाना है। तो कनेक्शन हो रहा है अभी, अभी कीप करेंगे कनेक्शन। तो इसने बोल दिया है वाईफाई कनेक्शन कंप्लीटेड। तो ये देखिए सेटअप कंप्लीट हो गया है। अभी सिर्फ आपको कैमरा का नाम देना है, उसके बाद करेंगे फिनिश। तो ये वाला जो स्क्रीन है यहाँ पे आपको कैमरा का प्रीव्यू देखने को मिलेगा, लेकिन पहली बार टैप करने से आपको कैमरा के लिए एक पासवर्ड सेट करने के लिए बोलेगा। तो सेट पासवर्ड पे टैप करेंगे और एक पासवर्ड सेट करेंगे कैमरा के लिए। तो मैंने कैमरा के लिए एक पासवर्ड सेट कर लिया है, अभी करेंगे कन्फर्म। तो सब कुछ हो गया है और कैमरा भी ऑनलाइन हो गया है। अभी आप देख सकते हैं कैमरा ऑनलाइन है। तो अभी अगर मैं इस कैमरा को यहाँ पे छोड़ के जाता हूँ और मोबाइल को मैं बाहर लेके जाता हूँ, तब मैं मोबाइल पे डाटा कनेक्शन ऑन करके इसके लाइव प्रीव्यू को देख सकता हूँ। तो जो कि ये कैमरा एक पीटीजेड कैमरा है, तो इसीलिए आप यहाँ से ऐप से इस कैमरा को घुमा सकते हैं। ये देखिए कैमरा घूम रहा है, ये देखिए ऊपर हो गया, ये नीचे हो गया। और ये वाला जो स्क्रीन है इसको आप फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं यहाँ पे टैप करके। तो ऐसे आप मोबाइल पे इस कैमरा का लाइव प्रीव्यू को देख सकते हैं और रिकॉर्डिंग जो है इसके माइक्रो एसडी कार्ड में हो रहा है। तो इस रिप्ले को दबा के आप माइक्रो एसडी कार्ड में जो रिकॉर्डिंग हो गया है वो सब देख सकते हैं, मेमोरी कार्ड को निकालने का जरूरत नहीं है। तो ये देखिए पुराना वीडियो अभी प्ले हो रहा है। तो ऐसे आप स्लाइड करके पुराना वीडियोस को देख सकते हैं या फिर यहाँ पे कैलेंडर भी है, तो कैलेंडर से आप पुराना किसी भी डेट के वीडियोस को देख सकते हैं। तो उसके बाद आपको मैं दिखा देता हूँ ये कैमरा विदाउट इंटरनेट कैसे काम करता है। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा नेटवर्क सेटिंग्स पे और नेटवर्क सेटिंग्स पे आपको मिलेगा एपी हॉटस्पॉट मोड। तो आपको एपी हॉटस्पॉट मोड को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तब यह कैमरा विदाउट इंटरनेट भी काम करेगा। मतलब इसमें से जो वाईफाई निकलता है उसको आपको स्मार्टफोन पे कनेक्ट करना पड़ेगा और अप टू 20-30 मीटर्स तक आप इस कैमरा को एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए अभी देखते हैं इसका जो वीडियो सैंपल है वो देख लीजिए, डे का और नाइट का। तो चलिए, तो ये देखिए इस कैमरा का डे का इंडोर वीडियो सैंपल। इसका वीडियो क्वालिटी VGA है, HD नहीं है। मैक्सिमम रिजोल्यूशन 640x480 है और मैक्सिमम फ्रेम रेट है 20 FPS। मेमोरी कार्ड पे 20 FPS में रिकॉर्ड होता है और सेम रिकॉर्डिंग वाईफाई से मोबाइल पे करने से इतना स्मूथ नहीं आता है। तो ये वाला वीडियो है जब मैंने मोबाइल से वाईफाई से किया था और सेम वीडियो मेमोरी कार्ड में स्मूथ रिकॉर्डिंग होता है। और इस कैमरा का ऑडियो क्वालिटी ऐसा है। तो ये है इस कैमरा का वीडियो सैंपल डे का, इंडोर का, और जो ऑडियो है इसी कैमरा से रिकॉर्ड हो रहा है। लेकिन इस कैमरा का जो फील्ड ऑफ व्यू है वो वाइड एंगल नहीं है, पूरा रूम को कवर नहीं करेगा। तो ये था डे का वीडियो सैंपल इंडोर का। अभी देखेंगे नाइट विजन सैंपल। तो अभी आपको इस कैमरा के बारे में सब कुछ पता चल गया है, आपने इसका वीडियो क्वालिटी भी देख लिया है। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर मैं बोलूँ तो मैं बोलूँगा कि ये जो कैमरा है इसका जो वीडियो क्वालिटी है एटलीस्ट HD तो होना ही चाहिए था। इसमें आपको जो वीडियो रिजोल्यूशन मिलेगा वो है 640x480 पिक्सल्स का, लेकिन काम चल जाएगा। और इसका जो व्यूइंग एंगल है वो वाइड एंगल नहीं है, मतलब ऐसा लगता है जैसे कि थोड़ा सा जूम है ऐसा लगता है। तो इसीलिए ये कैमरा पूरा रूम को कवर नहीं करता है। लेकिन जो कि इस कैमरा में PTZ कंट्रोल है, इसीलिए आप इस कैमरा को दाएं बाएं ऊपर नीचे घुमा के पूरे रूम को देख सकते हैं।
बाकी इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको ले सकते हैं। अगर आपको ये लेना है तो इसको खरीदने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो काम आएगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और इस तरह के वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो जल्दी से मिलते हैं एक दूसरे प्रोडक्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।